नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि जिस तरीके आप सपोर्ट दे रहे हो चैनल को उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसमें तो आपके सजेशन चाहिए मुझे आपके आइडियाज चाहिए कि किस तरीके के वीडियोज आप देखना चाहोगे चैनल पे राइट तो मैं प्रसाद कुलकर्णी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे मैं लेके आता हूँ स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे वीडियो राइट तो अभी अभी हमने आषाढ़ी एकादशी मनाई है तो आषाढ़ी एकादशी से याद आता है हमें वारकरी संप्रदाय और साथ ही साथ याद आती है हमें पंडरपुर की वारी तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है ये दोनों वारकरी संप्रदाय और पंडरपुर की वारी तो इसके बारे में अनोखी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं तो आप जरूर ये वीडियो पूरा देखिएगा तो शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को तो अगर हम बात करें वारकरी संप्रदाय की तो उसका उद्गम दक्षिण भारत के पंडरपुर नामक स्थान पर तेरहवीं शताब्दी में हुआ था वारकरी का अर्थ है वारी करने वाला अर्थात परिक्रमा करने वाला इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम के दो ग्रंथ की रचना कर वारकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था पंडरपुर यात्रा का महाराष्ट्र में काफी महत्व है पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है इसे वैष्णव का कुंभ भी कहा जाता है देश भर में ऐसी कई यात्राओं के अवसर होते हैं हर एक यात्रा की अपनी विशेषता होती है भीमा नदी के तट पर बसा पंढरपुर सोलापुर जिले में आता है आषाढ़ के महीने में यहाँ करीब पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रसिद्ध पंडरपुर यात्रा में भाग लेने पहुंचते हैं भगवान विठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से दिंडी और पताका लेकर इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं इस यात्रा क्रम में कुछ भक्तगण आलंदी में जमा होते हैं और पुणे तथा जेजुरी होते हुए पंडरपुर पहुंचते हैं इनको ज्ञानदेव माउली की दिंडी के नाम से भी जाना जाता है सैकड़ों साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी उनके अनुयायियों को वारकरी कहा जाता है जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा पालकी के बाद दिंडी होता है वारकरियों का एक सुसंगठित दल इस दौरान नृत्य कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की कीर्ति का बखान करता है यह कीर्तन अलंदे से देहू होते हुए पंडरपुर तक चलता रहता है यह यात्रा जून के महीने में शुरू होकर 22 दिनों तक चलती है पंडरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर वर्ष शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है तथा यह संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाता है इस वारी का जब से आरंभ हुआ है तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए चल पड़ते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णव संतों के निवास स्थान है या उनके समाधि स्थल है ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है आषाढ़ी एकादशी के दिन पंडरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपने सफर का कार्यक्रम तय होता है इस मार्ग पर कई पालकियां एक दूसरे से मिलती है और उनका एक बड़ा कारवा बन जाता है वारी में दो प्रमुख पालकिया एक संत ज्ञानेश्वर जी की तथा दूसरी संत तुकाराम जी की होती है 20 से 22 दिनों की पैदल यात्रा कर वारकरी एकादशी के दिन पंडरपुर पहुंचते हैं चूंकि पंडरपुर के विठोबा वारकरी संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले देवता है वारकरियों का मुख्य क्षेत्र पंडरपुर और तीर्थ चंद्रभागा है। गीता भगवत पुराण ज्ञानेश्वरी हरिपाठ भागवत पुराण के एकादश स्कंद पर संत एकनाथ जी ने लिखा एकनाथी भागवत चतुश्लोकी भागवत और संत तुकाराम जी की अभंग गाथा यह ग्रंथ वारकरी संप्रदाय के लिए मानक बने हैं वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है वारी से जुड़ने पर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है अतः उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुंचना निकट जाना वारी में दिन रात भजन कीर्तन नामस्मरण चलता रहता है अपने घर की कामकाज की खेत की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी के लिए चल पड़ते हैं किंतु वारकरी दैववादी बिल्कुल नहीं होता बल्कि प्रयत्नवाद को मानकर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है क्योंकि हर काम में वह ईश्वर के दर्शन ही करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हां सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक नमस्कार